गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, हमने क्वांटम नंबर्स भी पढ़े थे और ऑर्बिटल्स की शेप्स और उनका कंसेप्ट वो पढ़ा था। अब कुछ हैं यहाँ पे रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि एक एटम में आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डालते हैं। मतलब एक एटम है आपके पास, उसमें आपको पता है न्यूक्लियस है, उसमें शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, और उनमें फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स आपके पास s, p, d, f ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आप बोलते हैं रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मेनली आपने तीन रूल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज अबव प्रिंसिपल। ये अबव प्रिंसिपल क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द वर्ड अबव इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब बनाना, जैसे कुछ चीज़ बना, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं वैसे ही कुछ चीज़ बनाना। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालना, ठीक है। अब वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे डालते हैं? देखो, आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स, जो आपका पहला शेल है, जैसे मैं बोलता हूँ ये के शेल, तो के शेल में एक ही सब शेल है। आपने पढ़ा पीछे क्वांटम नंबर्स में, के शेल में एक ही सब शेल है, वो है एस सब शेल। और उस एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, वो है एस ऑर्बिटल, और उसकी शेप होती है स्फेरिकल। ये आपने पढ़ा था। अब अगर बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक है तो 1s, उससे बड़ा है तो 2s, उससे और बड़ा है तो 3s, तो बहुत सारे उसमें ऑर्बिटल्स हैं। अगर वो के शेल में है एस ऑर्बिटल तो 1s, अगर वो एल शेल में है एस ऑर्बिटल तो 2s, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल्स। और उसी तरह से जो पी सब शेल, तो उसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz आपने पढ़ा था। उसी तरह से d में 5 हैं, f में आपके 7 हैं, ठीक है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में कैसे आप ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके लिए अबव प्रिंसिपल। देखो, ये इसकी स्टेटमेंट क्या है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास एस ऑर्बिटल भी है, आपके पास पी ऑर्बिटल भी है, आपके पास डी ऑर्बिटल भी है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं। आप इन इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में कैसे डालेंगे? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। जिसकी एनर्जी कम है उसमें आप इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डालेंगे, और जिसमें एनर्जी फिर बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। सबसे कम एनर्जी होगी जिसकी, उससे हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या पता चलेगा, आपके पास तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो इसके लिए एक डायग्राम, आप ये फिगर आप ये याद रखेंगे। आपने क्या करना है, एक फर्स्ट आपकी जो कॉलम है आपका, उसमें 1s, 2s, 3s जैसे आपने लिखना है, 3s, 4s, 5s, 6s, ठीक है, 8s तक, उसके बाद 1p, उसके बाद 1d, 2d, 3d, ऐसे ही कॉलम्स में 1f, 2f, 3f, ठीक है, और 1g वगैरह, ऐसे आपने लिखना है। और इसमें देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रीजन बनाया हुआ है, ये वाला 1p से लेकर ये ट्रायंगल 4g तक ये डार्क रीजन बनाया है, तो ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ भी ये थोड़ा सा ये लाइट रीजन बनाया है, दीज ऑर्बिटल्स नॉट फिल्ड इन नाउन एलिमेंट्स। ये ऑर्बिटल्स हैं मगर फिल्ड नहीं है, ठीक है। सिंपली आप ऐसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, 1s, ऐसे 2s, 3s, 4s, ऐसे करके 7s, 8s तक। फिर यहाँ से 2p फर्स्ट छोड़ देंगे, 2p, 3p, 4p, ऐसे आप नीचे तक जाएंगे। उस तरह से इसको और छोड़ के 3d, 4d, ठीक है, नीचे तक जाएंगे, फिर 4f, ऐसे आप एक डायग्राम बनाएंगे। तो इससे आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहला आप डालेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन, 1s में। देखो यहाँ पे लिखा हो, ऐसे एरो बनाया हुआ, सबसे पहले 1s में, फिर एरो आप इधर राइट साइड से, इधर से इधर के लिए आप एरो, इधर से इधर के लिए आप देखेंगे इसको,
ठीक है, जो जो ऑर्बिटल आता जाएगा उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे। फर्स्ट डालेंगे आप 1s में, ठीक है। 1s के बाद क्या आता है, यहाँ से जाएंगे तो 1p में आता है, तो 1p एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सीधा 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में जाएंगे, 3s के बाद 2d में जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, ऐसे ही आप चलते जाएंगे आगे आगे। सो दिस इज योर अबव प्रिंसिपल। देखो अब ये तो हुआ, आपने पूरी फिगर बनाई तो उसके बाद देखा कि पहले किस में जाएगा, बाद में किस में जाएगा। अगर आप डायरेक्टली भी दो ऑर्बिटल्स को कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैं लिखूं 4s और 5p, बताओ इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो एक आप और एक रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं n+l रूल, ठीक है। आप दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l जो है वो कैलकुलेट करेंगे। देखो 4s में n क्या है, 4 है ना, 4 चौथा शल है ये। और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, आपने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स में। तो n+l जो है वो आएगा 4, किसके लिए, इस 4s के लिए। उसी तरह से 5p के लिए कैलकुलेट करेंगे, 5p के लिए n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू p के लिए होती है 1, तो ये n+l जो आएगा वो आएगा 6, इसके लिए आया 4, इसके लिए आया 6। तो जो कम आया उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जैसे इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 5p में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो दिस इज योर n+l रूल, आप दोनों के लिए n+l कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें 5+1 ये है 6, तो दोनों के लिए आप n+l कैलकुलेट करेंगे, जो जिसकी वैल्यू कम आई उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी, हेंस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग n+l वैल्यूज। n+l वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन आप डालते जाएंगे। If two orbitals have the same n+l value, the orbital with lower value of n has lower energy and hence is filled first. आप इस वीडियो को मतलब पास करके ये सारा नोट कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर n+l रूल। अब बोल रहा है कि अगर n+l वैल्यू दोनों के लिए सेम आ गई, मान लो मैं कंपेयर करता हूँ 4s और 3d को, मैं मुझे पता करना है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4, और l की वैल्यू है 0, तो टोटल वैल्यू आ गई 4, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 और sp d 0 1 2, ये 2, तो ये आ गई 5, तो पहले किस में जाएगा, 4 में, पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। बोल रहा है कि अगर सेम आया, जैसे हम कंपेयर करेंगे 4s और 3p को, 4+0 ये आ गया 4, 3+1 ये आ गया 4, अब दोनों की वैल्यू 4 आ गई, 4s में भी n+l वैल्यू 4 आ गई, 3p में भी n+l वैल्यू 4 आ गई। तो अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, दोनों के लिए तो सेम आ गए, तो उस केस में n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n+l वैल्यू, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज द लोअर एनर्जी एंड हेंस इज फिल्ड फर्स्ट। जिसकी n वैल्यू कम होगी उस केस में, तो इसमें 3p, अगर सेम नहीं है तो जिसमें कम है उसमें जाएगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम निकल जाती है तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसमें जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर n+l रूल, और ये भी अबव प्रिंसिपल की एक स्टेटमेंट है। नाउ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक और प्रिंसिपल है। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। क्या मतलब है, कहता है कि एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं,
और उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। कोई भी ऑर्बिटल ले लो, जैसे मैंने लिखा ये 1s ऑर्बिटल है, या मैं लिखूंगा ये 2p, ये px ऑर्बिटल है, ठीक है ऐसा। तो चाहे ये ऑर्बिटल हो चाहे ये ऑर्बिटल हो, उसमें दो इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते, कोई भी ऑर्बिटल, चाहे आपका d ऑर्बिटल dxy मान लेता हूँ, एक पांच होते हैं dx, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑर्बिटल कोई भी हो इलेक्ट्रॉन दो ही जाएंगे उसमें, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स का भी स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज को हम ऊपर के लेवल बताते हैं, एंटी क्लॉक को नीचे की। मान लो ये कोई ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, स्पिन्स उनका अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे दिखाया हुआ है, इफ टू एरोज मस्ट पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू बी पेयर्ड और द ऑर्बिटल इज सेट टू बी फुल्ली फिल्ड, इट विल बी रॉन्ग टू रिप्रेजेंट इट एज। ये हो गया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अभी आधा भर गया है, आधा चाहिए, और जब दोनों आ गए तो ये हो गया फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक जैसा नहीं हो सकता, ऊपर के लिए या नीचे के लिए दोनों वो नहीं हो सकते, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, और इसको आप बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एंड इज सेट टू बी हाफ फिल्ड, द इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी अनपेयर्ड स्टेट, और अगर ये सिंगली ऑक्यूपाइड है तो इसको आप हाफ फिल्ड बोलेंगे या आप इसको अनपेयर्ड बोलेंगे, पेयर नहीं है अनपेयर्ड है, या इसको हाफ फिल्ड बोलेंगे या इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो दिस इज योर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सिर्फ इतना बोलता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका स्पिन जो है वो अपोजिट होगा। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट रूल इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल किसके लिए है? ये रूल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। अब ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। देखो अगर मैं बोलूँ आपको पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन सब की शेप सेम है और ये एक ही सबशेल में है, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में तीन होते हैं, कल आपने पढ़े थे, डी में आपके पांच होते हैं और एफ में आपके सात ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, ये जो पांचों होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, ये जो सातों होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। तो अगर ये सेम ऑर्बिटल्स, इनको आप बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, अगर ये ऑर्बिटल्स सेम होंगे तो हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें डालना है, ठीक है। ये तीन ऑर्बिटल हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी एनर्जी सेम। अब ये इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम पहले इसमें डालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालें और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर इसी में डाल दें, नहीं ये गलत है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, दूसरा इसमें डालेंगे, तीसरा इसमें डालेंगे, जब ये एक बार हाफ फिल्ड हो जाएंगे सारे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें, पांचवा इसमें और छठा इसमें। ये है आपका हंट्स रूल। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, सेम सबशेल के होने चाहिए, जैसे ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों सेम सबशेल के हैं, उसको आप पी सबशेल बोलते हैं, डज नॉट टेक प्लेस अनटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच इज सिंगली ऑक्यूपाइड। बोलता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी, पेयरिंग कब करोगे, हाँ मतलब पेयर कब बनाओगे, पेयर तब बनाओगे जब तक नहीं एक एक सब में डाल दो और उसके बाद पेयरिंग करो विद अपोजिट स्पिन के साथ, स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी पूरी ये आपको
एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही याद रखो कि द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक नहीं एक एक चला जाएगा उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तीन रूल हैं, अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल।